Hi friends welcome to the game which you enjoy the most the game of alcohol आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी व्हिच इज टॉप 10 व्हिस्किस अंडर 1000 1000 rupees यही वीडियो हमने बनाई थी आज से तकरीबन तकरीबन 3 साल पहले अब इस वीडियो की क्या जरूरत आन पड़ी क्योंकि कुछ प्लेयर इसमें नए एंटर किए हैं और कुछ पुराने प्लेयर आउट हुए हैं आउट हुए उसके लिए हमने एक नया क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसी के बेस पे हम सारे प्लेयर्स चुने हैं चुने हैं और ये क्राइटेरिया है कि इस बार इन में जो हम की जो टॉप की इनकी बना रहे हमारा एक क्राइटेरिया है बाकी हां इस वीडियो के साथ आप बने रहें जुड़े रहें क्यों क्योंकि वीडियो के एंड में दो प्लेयर ऐसे थे जो डिजर्व करते थे आना बट वो किसी वजह से नहीं आ पाए क्या वजह थी हम वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ

एक से दस तक की अपनी रैंकिंग भी हमारे कमेंट्स में हाँ, अगर याद रहे नहीं तो टॉप हाँ, थ्री आप नहीं तो टॉप थ्री तो आप अपनी चॉइस के जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में बनाने में, में रीजन बिंग हमने पूरी जान लगा दी थी इस सेगमेंट के लिए क्योंकि ये प्राइस सेगमेंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग जो थोड़ा रेगुलर पीते हैं या लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास फैमिली के वो हाँ, यही प्राइस सेगमेंट प्रेफर करते भाई हैं जिन्होंने हफ्ते में तीन, चार तीन दिन चार दिन पांच डेली, डेली वालों को स्कॉच नहीं पी सकते हाँ, एक बजट बजट होता है में रेगुलर कुछ पीते हैं वैसे जो कम पीते हैं दो दिन या एक दिन पीते हैं वो यूज करते हैं थोड़ा अच्छा ब्रांड अच्छा ब्रांड तो ये भी ब्रांड अच्छे है ये नहीं है कि ये हल्के हैं क्योंकि जिस सेगमेंट के हैं उस क्लास के पब्लिक भी काफी है काफी है बिल्कुल और दिल्ली गुड़गांव में ही नौ सौ हजार रुपए में रेड लेबल मिल जाती है नॉट दिल्ली गुड़गांव अदरवाइज पूरे इंडिया में बहुत महंगी है तो ये दिल्ली गुड़गांव वालों को थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है कि उन्हें, क्यों उन्हें थोड़ी प्राइसिंग कम, कम मिल जाती है, जाती है और, और लेते हैं हाँ। तो सबसे पहले अब हम बात करें लिस्ट में नंबर वन पे आती है हमारी रॉकफोर्ड रॉकफोर्ड एक ऐसी विस्की है जिसने अगर हम याद करें सबसे पहले सिग्नेचर ने राज किया थाउजेंड से नीचे में फिर धीरे धीरे आपकी बीपीआई बीपीआई बीपी के बाद आप बीपी के बाद रॉकफोर्ड आई रॉकफोर्ड और बीपी और सिग्नेचर ये तीनों आपस आप में डिवाइड हो गई धीरे धीरे चलती रही बट हाँ। सिग्नेचर पीछे रह गई तो रॉकफोर्ड की अगर हम बात करें वापस आते हैं रॉकफोर्ड का प्राइस जेली में करेंटी रुपीज के आसपास है और आपको ये क्या प्रोवाइड करती है ये आपको प्रोवाइड करती है स्वीटनेस और ये आपको प्रोवाइड करती है woodiness. अच्छा खासा ब्लेंड है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है मोदी इल्वा ग्रुप से आता है डेफिनेटली तो एक अच्छा खासा डेफिनेटली ये है और एक और एक ये हो गई और एक लिस्ट में आपको पता दूसरी है दूसरी कौन से उनकी जगह पक्की ही रहती है बिल्कुल, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है बाकी इन सब दस के दस विस्कीस के या बारा जो स्पेशल मेंशंस में भी आएंगी उन सब के हमने रिव्यू कर रखे हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हैं अब चलते हैं नंबर टू पे नंबर टू पे आती है बैर प्रीमियम ये एक स्लो एंड स्टडी परफॉर्मर है बिल्कुल और दिल्ली में इसका प्राइस एट थर्टी है एट थर्टी है और इसमें स्मोकीनेस भी है और स्वीटनेस भी है बिल्कुल और हमने तीन साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी बैरेंट्स की बेरेंस तो की हमने कहा था ये प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आगे उस बड़ा प्लेयर बनेगा बनेगा और आज बिल्कुल बड़ा प्लेयर ही है वो बड़ा प्लेयर है अभी भी मैं कई चैनल्स पे देख रहा हूँ कि रिव्यू अब आ रहे हैं थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि आई थिंक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होगी या है थोड़ा लेट लेकिन अच्छा खासा स्टैब्लिश ये ब्रांड अपने आप को कर चुका है पैकेजिंग भी अच्छी थी बॉटल शेप काफी अच्छी थी जहां तक मुझे याद है और खैर अब चलते हैं पे। पे। हम अभी, अभी तो तो एक, एक यहाँ पे एक और प्लेयर था जो आ सकता था बट वो हमने स्पेशल क्यों, क्यों डाला है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी तीन साल पहले वाली लिस्ट में आ चुका था ये ब्लेंड अच्छा है लेकिन इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी सॉरी इसकी अवेलेबिलिटी पे इसका जो प्राइस है ये आपको वुडीनेस देता है हल्की सी स्मोकीनेस का फील कराता है फ्रूटीनेस है और जो है वो ब्लैकबेरी का इसके अंदर काफी अच्छा फ्लेवर आता है कंसिस्टेंसी ऑफ ब्लेंड प्लस अवेलेबिलिटी के ऊपर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है कि इसका 2025 की टॉप टेन की लिस्ट में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर अवेलेबिलिटी ये अच्छी नहीं रखते तो ये एक जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं नंबर चार पर क्या नंबर आता है? चार पे आता है विस्लर विस्लर वो ये अपना रुपए का प्राइस है इसका दिल्ली में हाँ। और ये अंडर डॉग है तब भी था हाँ तब भी था, तब भी था। मगर जिसने भी पिए है ना उसकी तारीफ जरूर की है हाँ। इसमें स्वीटनेस है और फ्रूटीनेस है अच्छा मतलब ब्लैंड बहुत अच्छा है टिपिकल जो इंडियन पैलेट को पसंद होता है इसमें भी अवेलेबिलिटी का चक्कर है

अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है साथ साथ लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी, भी जरूर करें अब आती है नंबर फाइव। नंबर फाइव पे हमारी आती है है नंबर 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 पे हमारी एक मिडल मिडल ऑर्डर ऑर्डर बैट्समैन बैट्समैन पांच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि या तो आप मारधाड़ करने आते हो या इनिंग संभालने जब तीन आउट हो जाते हैं जब जल्दी विकेट गिरती है तो पांच नंबर संभालता है चार और पांच तो मैंने क्या बोला संभालने तो एक वापसी करी एक प्लेयर ने जिसका नाम है सिग्नेचर प्रीमियर ग्रीन विस्की इसको हिलाया बीपी ने बिल्कुल तोड़ा रॉकफोर्ड ने बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये जुड़ के वापस आई है और जो वापसी करी है भाई क्या ब्लेंड है क्या पैकेजिंग है सब कुछ नंबर वो तो है तो नहीं। क्राइटेरिया उसमें यहां पर आकर जो हमें स्वीटनेस मिली जो फ्रूटीनेस मिली प्राइस वही एट हंड्रेड इन डेली तो ये बहुत अच्छी रिटर्न है मतलब जैसे शाहरुख खान ने कम बैक किया दो में, हाँ वो तो पठान जबान, जबान के साथ तेईस हाँ। ठीक उसी तरह इसने भी धमाकेदार वापसी करी, करी है, है। नंबर सिक्स पे आती है ओकेन ग्लो इसका दिल्ली में प्राइस है सेवन एट्टी इसमें भर भर के स्मोकीनेस है और फ्रूटीनेस है और मैं एक ये प्रोडक्ट सी का है ये सिर्फ यही एक प्रोडक्ट नहीं है और भी है इस में, और भी जो भी हमने बड़ी कोशिश करी स्मोकी बोला तो मुझे याद है बड़ा सारा धुआं डाला गया था अंडर की तरह तो वीडियोस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी आप देख सकते हैं और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो और कैसे बेटर कर सकते हैं मजेदार कर सकते हैं और इस लिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें

ब्लेंडर है है से नीचे इसकी दीवानगी अपनी है। लेकिन हमारा मुद्दा इस ताकि ये न कि हम तो हिट जी चलते ही एक बात और कहूंगा अभी बीपी ब्लेंडर स्प्राइट हमारे दिल्ली में कम मिल रही है दिखी नहीं है और एक रॉयल स्टैक की भी अवेलेबिलिटी नहीं है आज की डेट में कम है बहुत कम के बराबर अच्छा अब नंबर एट पे आती नहीं, नहीं इससे पहले एक बात मैं और बताऊंगा कि बीपी का अवेलेबिलिटी ना होना ये बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको फायदा मिल रहा है फायदा ना? मिल रहा है तो आप भी ये सब ब्रांड्स ट्राई करें हो सकता है आपको आपका नया फेवरेट मिल जाए बिल्कुल अब नंबर तीन पर क्या नंबर...

ए, रिटेन हो सकती रिटेन है रिटेन होगी मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे हमने कुछ प्लेयर्स जैसे आपको बताया कि पुरानी लिस्ट के यहाँ नहीं आ पाए मुझे लगता है है अगले साल की लिस्ट में जरूर आएगी टेस्ट वाइज भी ठीक पैकेजिंग बहुत अच्छी है ब्लू बॉक्स है हाँ वो उस पर बड़ा सारा फॉन्ट है दूर से देख के पता चल जाती है कि ये हाइबरी क्लासिक है बिल्कुल बहुत अच्छी ब्रांडिंग है इसमें कोई डाउट नहीं है बाकी नंबर टू पर आती है नंबर नाइन पे यार अरे यार नंबर नाइन पे है एक मिनट तो ऊपर yeah. से चल रहा है मैं मतलब वो जब मैंने नीचे से चल रहा था हाँ। तो नंबर इसमें हमारी कोई रैंकिंग नहीं, नहीं है भाई एक्चुअली डायरी में ऐसे हमने लिखा था ना या जब हम बैठे थे डिस्कशन कर रहे थे तो ऐसे धीरे धीरे नीचे आते रहे थे तो मेरे माइंड में वो वाली चल रही है बात। ये उल्टा चल रहा है ना हाँ। तो ये नंबर नाइन पे आती है हमारी स्टार वॉकर स्टार वॉकर पिछली बार भी ये हमारे लिस्ट में थी ये आपको स्मोकीनेस भी देती है ये आपको फ्रूटीनेस भी देती है बड़ा प्यारा ब्लेंड है 950 के आसपास मिलता है इसे मैं सस्ती स्कॉच कह सकता हूं कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें ये मार खाई थी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बिल्कुल जैसे जब इसके रिव्यूज होने शुरू हुए थे यूट्यूब पे पेड या अनपेड इन चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे लॉजिकली जब उनके रिव्यूज़ आए तो रिव्यूज़ आने के बाद से लेकर जब तक ये शेल्फ पे सेल्स के लिए आई उसमें बहुत गैप हो गया बहुत गैप हो गया और वो जो चाम था ना इसका वो खो गया और अब इसको जरूरत है रिवैम्प करने की कैसे मे बी नया लेबल नई पैकेजिंग के साथ क्योंकि ब्लेंड में कोई कमी मगर टेस्ट बहुत अच्छा है इसका टेस्ट बहुत प्यारा टेस्ट है और रीपैकेजिंग की वहाँ जरूरत है अदरवाइज चार वॉकर इज डेफिनेटली डेफिनेटली स्टार और स्टार वॉकर ये ऑल सीजन वालों की थी जहां तक मुझे याद है नहीं नहीं हाँ हाँ स्टार बॉकर ऑल सीजन वालों की ऑल सीजन वालों की तो संजू बाबा सही ही दोबारा एड पर संजू बाबा तो अपनी वो स्कॉच ले आए हैं ना <laughs> अब वो कहां से करेंगे इस ब्रांड की वीडियो अब चलते हैं नंबर वन पे नंबर टेन पे नंबर टेन पे सॉरी क्षमा करें बेटा तुमसे ना हो पाएगा बाप नंबरी बेटा दस नंबरी आगे दस नंबरी ओक स्मिथ गोल्ड 840 प्राइस है दिल्ली में इसका स्वीटनेस है फ्रूटीनेस है बिल्कुल और टिपिकल जैसे एक अगर आप इसमें बर्बन का टेस्ट फील करते हो तो इसको एक बारी जरूर ट्राई करना यार बहुत मजेदार है। हाँ, मतलब बर्बन जैसा सस्ती बर्बन हाँ, सस्ती बर्बन सस्ती बर्बन, <laughs> बर्बन कह सकते हैं जैसे मैंने उसको सस्ती स्कॉच का है स्टार हाँ, वॉकर को तो ठीक है और ओक्समिथ ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है कुछ लोग कहते हैं कि इसके ब्लेंड में कमी आ रही है अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें बाकी ये आपको वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें ना 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 अभी जाना नहीं है खत्म नहीं हुई है अभी, अभी अभी नहीं हुई और भी, भी आगे है स्पेशल हाँ, और, और एक चीज लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और, और, स... और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और करवाए इस वीडियो को अगर आप टू लाइक्स दे दो टू लाइक्स इस वीडियो को मिल जाएंगे

रॉकफोर्ड के बिना पूरी होती नहीं हजार से नीचे वाली हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इन दोनों को बाहर निकालें मगर अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ेंगे वो कहेंगे ये दो कैसे नहीं है ये लिस्ट थोड़ी बनाई है आपने तो तो वो तो एक, इस मतलब वो अपनी स्पेस को छोड़ नहीं रही दोनों हम हम चाहते थे नई नाम इसलिए डालना कि और अवेयरनेस आए और ब्रांड्स आप एक्सप्लोर करो क्योंकि हमारी वीडियो में हमेशा नए प्लेयर्स की एंट्री ज्यादा होती है बट खैर उनमें से एक प्लेयर तो पुरानी था वो था सिल्वर एडिशन अमृत का वो जगह इसलिए नहीं बना पाया उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई अवेलेबिलिटी भाई वो होता ही नहीं है उसका तो उस चक्कर में पड़ना ही नहीं रॉक रॉक डब बहुत बहुत अच्छी विस्की थी no uh, वो वो जैसी पिछली बहुत थी नो डाउट लिस्ट में भी हमारी पिछली लिस्ट में डेफिनेटली थी इस लिस्ट में भी सोचा था मैंने कि आ सकती है बट क्योंकि वो पिछली बार लिस्ट में फीचर हो चुकी है तो काफी सारी ऑडियंस देख चुकी है तो उसे एक्सपोजर मिल चुका है बिल्कुल तो इस बार हमने सोचा रॉयल प्राइड को वो जगह दे दी जाए रॉयल प्राइड और इसमें मैं थोड़ा तो उसकी परफॉर्मेंस भी, भी अच्छी लग रही है हमें हाँ तो वो भी अच्छी है तो आप डेफिनेटली वो भी ट्राई कर सकते हैं ये दो हैं हमारे स्पेशल मेंशन अब बात आती है दो ऐसे ब्लेंड जो जगह नहीं बना पाए वो कौन से हैं एक आपकी गोल्फर शॉट नहीं एक द जनरेशन और जन्रेशन. दूसरी है गोल्फर शॉट जनरेशन तो हमने नहीं सिलेक्ट करी क्योंकि लिस्ट में पहले आ चुकी है आ चुकी है और, और... गोल्फर शॉट को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें हमने रखनी ही नहीं थी रखनी इसलिए आउट किया था बाकी इसके अलावा ओवर भी इस बजट की हमने ओक्टन हो गई ओक्ट्री हो गई वो भी रिव्यू करी बट एज ऑफ नाउ वो इस लिस्ट में जगह नहीं बना सकती बाकी इन सबके जितने नाम लिए इन सब के डिटेल्ड रिव्यूज हमारे चैनल पर हैं। चैनल पे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब आपने अपनी लिस्ट हमें देनी है कमेंट्स में कि कौन में से नंबर पे कौन सी आ रही है नहीं तो टॉप थ्री बता दो टॉप तो जरूर बताओ कि आपको इन पूरी दस जो हमने बिस्किस बताई है दो रेकमेंडेशन भी है उनमें से तीन कौन सी आपकी फर्स्ट चॉइस हो फर्स्ट च्वाइस हो सकती है और अगर हजार से नीचे हमारे से कोई रह गई है तो हमें बताए और ये आपका टास्क है टू-डू लिस्ट इस साल 2024 में आपने ये सब ट्राई करनी है और हमें कमेंट करके बताएं और जो हमारे से हैं, हम उनको भी ढूंढेंगे ताकि लिस्ट, लिस्ट होकर और अच्छी बन सके आगे हम 2000 वाली भी ए, लिस्ट बनाएंगे उसके लिए एफर्ट करेंगे तीन चार पांच ऐसे जो हमें करने पड़ेंगे वो भी हम लेके आएंगे अब आई थिंक पांच वाला सेगमेंट जो है वो हमें दोबारा अपडेट करना बिल्कुल हाँ, उसमें एक ही दो बचे जो और नहीं करी बाकी वो हम कर लेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप लविंग अस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास, द ग्लास। पीना भी एक कला है टिल देन चीयर्स